गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर हिस्ट्री। आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री से जुड़े हुए 101 क्वेश्चनों को लेके आएंगे और इस 101 क्वेश्चन में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो कंप्यूटर की हिस्ट्री से संबंधित है, चाहे भारत का सबसे पहला कंप्यूटर हो, चाहे भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हो, चाहे सोफिया हो, चाहे जेंग जाओ हो, चाहे सैम हो, चाहे व्योम मित्रा हो, चाहे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी हो, पहली पीढ़ी हो, दूसरी पीढ़ी से संबंधित हो, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित क्वेश्चंस हो, कोई भी जो क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इन 101 क्वेश्चनों में लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, अगर एक बार इनको किया जाए तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री का ये टॉपिक। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन जुड़े हैं, पूनम सहोता, हरदीप कौर, कौशल्या और सोनू सैन, दीपक, पूनम पारिक, मिक्सअप पॉइंट, जितेंद्र वर्मा, रीना जाट, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। MCQ है और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, बाद में आपको उन क्वेश्चनों के बारे में समझाया भी जाएगा। इन 101 क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री की लगभग आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में इसका पार्ट टू भी बनाएंगे, जो आधुनिक रूप में जो कंप्यूटर हिस्ट्री है वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ऑनलाइन बैठे बच्चे जवाब दे पाते हैं। दुनिया में सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था अबेकस। इसका आंसर है अबेकस। अबेकस के बारे में फटाफट कुछ जान लेते हैं। अबेकस जो है दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा चाइना में हुआ। ये 2300 से लेकर 2700 ईसा पूर्व इसका इस्तेमाल हुआ था और आप जानते हैं कि अबेकस आज भी इस्तेमाल होता है। आधुनिक जो अबेकस है इसे 1602 में बनाया था दोबारा और थोड़ा मॉडिफाई करके एक अच्छे प्रकार का अबेकस बनाया गया। आधुनिक अबेकस का आविष्कारक कौन था? टिम क्रैमर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए अबेकस के आविष्कारक कौन है, आधुनिक अबेकस के आविष्कारक कौन है, तो टिम क्रैमर हैं अबेकस के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, जॉन नेपियर ने कौन सी मशीन का आविष्कार किया था? पहले अबेकस था 1602 में, अगला जो वर्ष आता है सन ईयर आता है 1670। जॉन नेपियर ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें डेसिमल पॉइंट में जोड़ा जा सकता था, डेसिमल का इस्तेमाल होता था, तो उस मशीन का नाम था नेपियर बॉन्स। आइए हम नेपियर बॉन्स के बारे में देख लेते हैं। ये है नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स जो है 1617 में बनी थी और इसी मशीन में डेसिमल जो सिस्टम था, डेसिमल प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन नेपियर था और उस मशीन का नाम था नेपियर बॉन्स। आगे समझो आपको, आगे बढ़ते हैं क्योंकि कंप्यूटर हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, ज़्यादा एक टॉपिक पे टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की पहली एडिंग मशीन का नाम बताओ। अब आप सोचेंगे कि सर इस मशीन में तो भी एडिंग होती थी लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी और आप देख सकते हैं अगली सिर्फ एडिंग मशीन, एक ऐसा कैलकुलेटर जिसमें जोड़ का निशान था, मतलब एडिशन हो पाता था, ऐसी मशीन का नाम बताएंगे। नेम वर्ल्ड्स फर्स्ट एडिंग मशीन। दुनिया की पहली एडिंग मशीन थी पास्केलाइन। दुनिया की पहली एडिंग मशीन का नाम पास्केलाइन था और पास्केलाइन को बनाने वाले थे ब्लेस पास्कल। ये मशीन इन्होंने 1648 के आसपास इन्होंने बनाई थी। आइए देखते हैं 1642 के आसपास, सॉरी 1642। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा 1642 में ब्लेस पास्कल ने बनाई एडिंग मशीन जिसका नाम दिया गया पास्केलाइन। तो आपके सामने पास्केलाइन का फोटो। अभी हमने तीन ईयर देखे, 1602 में हमने अबेकस को देखा, 1617 में हमने देखा नेपियर बॉन्स को देखा और 1642 में हमने देखा पास्केलाइन को देखा जो एक एडिंग मशीन थी। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, दुनिया का पहला, ऑनलाइन बैठे बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। ऑनलाइन में बैठे बच्चे
पूर्वी, प्रहलाद, मंजीत कौर, कौशल्या, हार्दिका सोमानी, पूनम, सभी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन ये है, दुनिया की पहली मैकेनिकल लूम का मतलब है कि जिसपे कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग हुई, कंप्यूटराइज डिजाइनिंग, आजकल इसे हम CAD के नाम से बुलाते हैं। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कि कंप्यूटर के ऊपर डिजाइनिंग करना, तो ये भी एक कंप्यूटर के द्वारा किया गया। ऐसी मशीन सबसे पहले जैकट लूम ने बनाई, तो उस मशीन का नाम था जैकट लूम। तो ये दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल लूम था, करगा था, जिससे कपड़े पर डिजाइनिंग हुई। अगला क्वेश्चन आता है, जैकट लूम जो थी, ये मशीन किसने बनाई थी? इस मशीन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था, जोसेफ जैकर्ड। क्या नाम था? जोसेफ जैकर्ड थे, जिन्होंने जैकट लूम मशीन बनाई थी। ये 1801 में बनाई थी। आइए हम दोबारा एक बार हिस्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 1602 बताया अबेकस, वैसे अबेकस ओल्ड भी था। फिर मैंने आपको 1617 में नेपियर बोन्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको 1642 में पास्कल लाइन बताया। अभी तक 1, 2, 3, 4 हम कंप्यूटर के 4 आविष्कार देख चुके हैं। हिस्ट्री आगे बढ़ रही है। ये थी जैकट लूम्स। अगला क्वेश्चन देखो, इसी मशीन को देखते हुए एक व्यक्ति ने पंच कार्ड बनाए, इसी मशीन को देखते हुए। उस व्यक्ति का नाम था हरमन हॉलीरथ। दुनिया के पहले मैकेनिकल लूम, करगे का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? इसका आविष्कार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जोसेफ मैरी जैकर्ड। ये अभी बता चुका हूँ, फोटो के रूप में भी हमने देखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीनों का आविष्कार किया था? आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसने 2 मशीनें बनाई थी। सबसे पहले तो इसने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, जो इतना अच्छा नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन उसके बाद में इसने 1837 में, 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहने लगे। तो इसका आंसर होगा ए और बी बोथ। आपको मैं बता दूं कि एनालिटिकल इंजन जो था, इसमें इनपुट भी होता था और इसमें प्रोसेसिंग भी थी, और इसमें आउटपुट भी था। और आप जानते हैं कि इसको चार्ल्स बेबेज ने अकेले नहीं बनाया था, इसके साथ में थी लेडी एडा लवलेंस भी थी। इसमें चार्ल्स बेबेज के साथ में कौन थी? लेडी एडा लवलेस नाम से एक महिला भी थी। और ये दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर, उसका नाम था लेडी एडा लवलेंस। अगर आपसे पूछा जाए इनके नाम पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, तो लेडी एडा के नाम से एक एडा नाम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लेडी एडा ने एनालिटिकल इंजन बनाने में चार्ल्स बेबेज का सहयोग किया था। तो इसका आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी 2 मशीनें बनाई थी? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, दोनों ही है ये। आगे हम इनको देख लेते हैं डिटेल से। आप देख सकते हैं आपके सामने फोटो के रूप में आ गए हैं, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया, ये हो गया। अभी हम देखेंगे, हमने आपको 4 साथ साथ में पुराना भी रिवाइज कर लेते हैं। 1602 में बना अबेकस, 1617 में बना नेपियर बोन्स, 1642 में बना पास्कल लाइन लिखा था आपने, 1801 में बना जैकट लूम, 1822 में बना डिफरेंस इंजन, 1837 में बना क्या बना? एनालिटिकल इंजन, आपने देख लिया। तो ये सारे ईयर बाय ईयर आपको हिस्ट्री, ये वीडियो देख लोगे आपको सारी कंप्यूटर हिस्ट्री याद हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और एग्जाम में, आप आसानी से बता सकते हैं एनालिटिकल इंजन किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। आगे बढ़ें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिस्ट्री भी बताई इसकी आपको। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें एनालिटिकल इंजन में क्या था? इनपुट था, प्रोसेस था, आउटपुट था। और 1842 में एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम दिया गया था। ये पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लवलेंस अगस्ता थी। और आपको ये भी बात बता दूं, ये जो PDF है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ लेकिन वो लिख नहीं पा रहे, थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, लेकिन आप ये PDF अगर आपको चाहिए तो दो भाई फ्री पढ़ाई नामक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखना।
आगे आता है अमेरिका में जनगणना होती है सेंसस में इस्तेमाल होने वाली पहली मशीन कौन सी थी? पहली मशीन जिसमें अमेरिका ने सेंसस की थी तो वो मशीन थी टेबुलेटिंग मशीन। इस मशीन ये एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ हुई और इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। और आप जानते हैं कि पंच कार्ड किस व्यक्ति ने बनाए थे? हरमन होलीरथ ने बनाए थे। और आप जानते हैं कि हरमन होलीरथ जो है उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन बनाई। पहले उसने बनाया, पहले पंच कार्ड बनाया, पंच कार्ड से उसने टेबुलेटिंग मशीन बनाई। ये जो पंच कार्ड है उसने कौन सी मशीन को देख के बनाया? इसने बनाया जैकवर्ड लूम्स। जैकर्ड लूम नाम से जो मशीन बनी थी, जो डिज़ाइनिंग की मशीन थी, उसको देख के इसने पंच कार्ड बनाया। पंच कार्ड से इसने टेबुलेटिंग मशीन बनाई और यह मशीन अमेरिका की जनगणना में सेंसेस में इस्तेमाल हुई सन 1890 में। अब हम वर्ष आ गए हैं 1890 तक, सॉरी 1880 तक आ गए हैं, 1880। और एक बात आपको और बता दूं, ये हरमन होलीरथ कौन है? हरमन होलीरथ वो व्यक्ति है जिसने 1911 में IBM बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर वाली कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले। ये सब कंपनी जो आजकल कंप्यूटर में गूगल है या जो याहू है, ये सब अभी नई कंपनियां हैं। सबसे पुरानी कंपनी आज की डेट में जो है वो IBM मानी जाती है। तो IBM जो है हरमन होलीरथ ने बनाई थी, ठीक है। तो हरमन होलीरथ के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने देखा टेबुलेटिंग मशीन से अमेरिका में सेंसस की गई। अगला क्वेश्चन आता है पंच कार्ड का गणना यंत्र में इनपुट डिवाइस के तौर पे हरमन होलीरथ ने आविष्कार किया और 1880 में अमेरिका की सेंसस का काम भी किया। और आपने देखा ये होगी सेंसस, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरमन होलीरथ ने अमेरिका की जनगणना के लिए टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की नींव 1911 में हरमन होलीरथ के द्वारा ही रखी गई और बाद में 1924 में एज ए ऑफिशियल इसका नाम IBM रखा गया, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये पंच कार्ड का प्रयोग करते हुए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन किसने बनाई? अभी मैंने आपको बताया पंच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई? हरमन होलीरथ ने बनाई। तो इसका आंसर होगा हरमन होलीरथ। वेरी गुड, शाबाश, ऑनलाइन बैठे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? देखो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलीरथ ने किया। अगला सवाल आपके सामने आता है ये नेम ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो कि जनरल पर्पस में इस्तेमाल हुआ और वो ही व्यक्ति कंप्यूटर का पितामह भी कहलाया, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाया। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बाबेज थे। चार्ल्स बाबेज ने इनमें से कौन सी मशीन बनाई? एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अगर यहाँ पर लिखा होता ना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तब एनिक लिखते, ये जनरल पर्पस की बात हो रही है। आगे आ जाएगा, देखो ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो इसका नाम होगा एनिक। एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर आपसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर पूछा जाए तो एनालिटिकल इंजन है। एनिक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 में ये बना था और इसके आविष्कारक थे मुचली एंड अकर्ट। याद हो जाएगा, मुचली एंड अकर्ट ने एनिक बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इन हाउ मैनी जनरेशन से कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांट के हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर, अब आधुनिक कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों से होके बना है? तो कंप्यूटर जो बना है 5 पीढ़ियों से बना है, 5 स्टेप में बना है कंप्यूटर। आइए देखते हैं, एक एक पीढ़ी को देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की जनरेशन को देख लेते हैं। ये है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की सबसे पहली जो पीढ़ी है वो है 1940 से 1956 की मानी जाती है। ये कंप्यूटर की, देखो ये जो टॉपिक है, ईयर है, ये हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने सालों से मैंने एग्ज़ाम देखे हैं तो ये जो ईयर आपके सामने लिखे हैं, आपके बैंक एग्ज़ाम, कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम
या जो भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसी ईयर को वो मानते हैं। तो यही आपने याद करने हैं, बाकी सब जो भी पहले आपने पढ़ा है उसको मत देखना। ये मेरे हिसाब से ये सही है, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी इसी ईयर को माना जाता है। तो पहली जनरेशन 1940 से 1956 मानी जाती है, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन 1956 से 63 मानी जाती है, तीसरी जनरेशन 63 से 1963 से 71, चौथी जनरेशन मानी जाती है 1971 से 2010, और बताते हैं कि 2010 के बाद पांचवीं पीढ़ी शुरू हो गई है। अब कुछ पीढ़ी में तो ये कह रहे हैं कि पांचवीं तो अभी आई नहीं है, पांचवीं तो बाद में आएगी, लेकिन आप जानते हैं कि 2010 के बाद में AI बनने शुरू हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2010 के बाद शुरू हो चुकी है, सोफिया नामक AI बन चुका है, सैम नाम से एक रोबोट बन चुका है न्यूजीलैंड में जो चुनावों में खड़ा हो रहा है, और सोफिया जो है सऊदी अरब की पहली रोबोट है जिसको नागरिकता मिली है, सिटीजनशिप मिली है। चाइना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी न्यूज़ एंकर्स हैं, मेल भी है और फीमेल भी है, शिनुआ उनकी न्यूज एजेंसी है। भारत में लक्ष्मी नाम से एक बैंकिंग रोबोट है, सिटी यूनियन बैंक में चेन्नई में जॉब करती है लक्ष्मी, एक रोबोट है। तो ये ज़माना शुरू हो चुका है, पांचवी पीढ़ी ये नहीं कह सकते कि आगे आएगी, ये तो आ चुकी है। USSI का प्रयोग शुरू हो चुका है, AI का प्रयोग हो चुका है, तो पांचवी पीढ़ी शुरू हो चुकी है, ये अभी अंडर प्रोसेस है। शुरुआत करते हैं, पहली पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस था, एक डिवाइस से कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स था। दूसरी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर ने ले लिया, वैक्यूम ट्यूब्स हटा दी गई, ट्रांजिस्टर आ गए। तीसरी पीढ़ी में IC, क्या IC, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी आ गई, IC आ गई। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया, तो माइक्रो प्रोसेसर LSI VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चौथी पीढ़ी में आए। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी पीढ़ी में हाई लेवल भाषाएं बनी, तो हाई लेवल भाषाएं जो हैं वो तीसरी पीढ़ी में बन गई थी, HLL बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ये तीसरी पीढ़ी में बननी शुरू हो गई थी। पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्टन, अगर आपसे पूछा जाए पहली हाई लेवल भाषा कौन सी थी, फोर्टन थी। इस पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, इस पीढ़ी में कौन सी, ठीक है सर, इस पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल भाषाएं आ गई, ठीक है, और ये चौथी पीढ़ी में भाषाएं हाई लेवल तो रहीं, और भी नई नई लैंग्वेजेस आ गई, और ये माइक्रो प्रोसेसर भी बना। और आप जानते हैं कि पाँचवीं जो पीढ़ी है इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर शुरू हो गया। अब हम पाँचवीं दौर में हैं, आप देखेंगे चौथी पीढ़ी में हम बात करें, दुनिया में क्रे नामक सुपर कंप्यूटर बन गए थे, सुपर कंप्यूटर, और भारत में भी सुपर कंप्यूटर बन गया था परम 8000। ये इस दौर में आए हम, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर में परिवर्तन, ये सारा हम आगे वाले जो प्रश्नों में हम देखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो पहली पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, मशीन लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल भाषाओं का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। स्पीड की भी बात होगी कि पहली पीढ़ी में स्पीड होती थी मिली सेकेंड में, फिर स्पीड होगी माइक्रो सेकेंड में, फिर स्पीड हो गई नैनो सेकेंड में, फिर हो गई पिको सेकेंड में, तो स्पीड भी कंप्यूटर की बढ़ती चली गई। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। अगला क्वेश्चन आते हैं, पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स देखते हैं, जैसे मैंने सुपर कंप्यूटर भी बताए, पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, इनका आविष्कार 1940 से 1956 के बीच हुआ है। आप देखेंगे इन कंप्यूटरों में एनिक, एडवेक, यूनिवेक और IBM 701, IBM 650, तो ये कंप्यूटर का आविष्कार 1940 से 1956 के बीच हुआ है। याद रखने का क्या वे है, जिसके पीछे AC, जिसके पीछे AC लगा हुआ है वो पहली पीढ़ी है, चाहे कोई भी AC देख लो ना, वो पहली पीढ़ी में डाल देना। और 701 और 650 IBM के,
तीन अंकों का है ये IBM, आगे जो IBM की और भी कंप्यूटर बने वो कौन से डिजिट में है, 4 डिजिट में है। तो पहली पीढ़ी में 3 डिजिट का है, तो 701 और 650 3 डिजिट्स के हैं। दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने देखो ये 4 डिजिट के हैं IBM के, 1620 और CDC 1640, ये दोनों 1616 हैं, 1620 1640। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुए उनका नाम था हनीवेल 6000 PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर और TDC टॉरपीडो डेटा कंप्यूटर 316 ये तीसरी पीढ़ी के हैं। चौथी पीढ़ी में आप देखोगे, आपको मैंने बताया था अभी, चौथी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर भी बन गए थे क्रे। चौथी पीढ़ी में डेस्कटॉप लैपटॉप, आप देखें लैपटॉप इसी पीढ़ी में आया है। दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप हम बात करें, आपके सामने आगे आ जाएगा, उसका नाम ओसबोर्न था। ये दुनिया का पहला लैपटॉप था, लेकिन ये आधुनिक लैपटॉप नहीं था, जैसे आज लैपटॉप दिखता है ना वैसा लैपटॉप नहीं था। आधुनिक जो लैपटॉप है वो बिल मॉर्गिज ने बनाया था। आधुनिक लैपटॉप आगे आ जाएगा हमारे सामने, बिल मॉर्गिज ने बनाया था, आगे आपके सामने वो भी नाम आ जाएगा। और ऐसा लैपटॉप इन दोनों ने, जो ये ओसबोर्न ने लैपटॉप बनाया, बिल मॉर्गिज ने जो बनाया, इस लैपटॉप को उसने कमर्शियल यूज़ नहीं किया, मार्केट में नहीं बेचा। मार्केट में पहला लैपटॉप बिका तोशीबा, उसका नाम था टी इलेवन हंड्रेड तोशीबा इलेवन हंड्रेड। ये लैपटॉप की बात हुई। तो ये आगे आ जाएंगे क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले हम देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स, TDC यानी कि DEC 10, DEC की फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक स्टार क्रे, ये चौथी पीढ़ी के हैं। और पांचवी पीढ़ी में आप देखेंगे, ये देखो पांचवी पीढ़ी, ये सारे AI हैं। आप मुझे बताएंगे सोफिया किस देश का है, सऊदी अरेबिया का है। ऐसा AI जिसको नागरिकता मिली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसको सिटीजनशिप दी गई है, सैम न्यूजीलैंड का है, एक AI है जो कि इलेक्शंस में खड़ा हुआ है, ये दुनिया का पहला लीडर है, ये नेता है सैम। व्योम मित्र इंडिया का है, ये हम भेज रहे हैं 2022 में भेजेंगे, हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, स्पेस में भेजेंगे, ये स्पेस में जाएगा। लक्ष्मी एक बैंकिंग रोबोट है जो कि सिटी यूनियन बैंक में लगाया गया है, सिटी यूनियन बैंक में है। तो आप देख सकते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर शुरू हो गए हैं। जेंग जाओ AI न्यूज़ एंकर है चाइना का, मेल न्यूज़ एंकर है, और ये इनकी न्यूज एजेंसी का नाम है। शिनुआ जो है वो इनकी क्या है, न्यूज एजेंसी है। इनके पास, चाइना के पास में एक मेल न्यूज़ एंकर भी है और फीमेल न्यूज़ एंकर भी है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आपको एक वीडियो देखना है तो मैं देख लेता हूँ, अगर आपको ये वीडियो मिल जाए तो AI फीमेल न्यूज़ एंकर चाइना, आपको अगर कोई वीडियो में देख सकते हैं हम। चलो एक मिनट, बीच में ऐड आ गई है इसमें, एक मिनट, इसमें हम देख सकते, आप देख सकते हैं ये एक AI न्यूज़ एंकर आपके सामने है, चाइना की AI न्यूज़ एंकर है, शिनुआ न्यूज़ एजेंसी की है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, ये कोई महिला नहीं है, ये एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की है ये, ठीक है। तो ये देखा आपने, दुनिया की पहली, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल AI न्यूज़ एंकर। तो जमाना अब आ चुका है, तो ये आ चुका है जमाना AI का, पांचवी पीढ़ी शुरू हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे थे हम, तो हम अपने पांचवी पीढ़ी देखी। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम स्पीड देख लेते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड में होती थी, दूसरी जनरेशन में स्पीड थी माइक्रो सेकेंड्स में थी, तीसरी पीढ़ी की स्पीड थी नैनो सेकेंड में, चौथी पीढ़ी की स्पीड कैसी हो गई, पिको सेकेंड में हो गई।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलो अभी मैंने शॉर्ट में आपको कंप्यूटर की जनरेशन बता दी, लिखा 101 क्वेश्चन आया लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। अभी मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही बता दिए। क्वेश्चन आता है आगे, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का चीफ कंपोनेंट कौन सा था, यानी कि मेन स्विचिंग डिवाइस कौन सा था। तो इसका आंसर क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। आपको मैंने बताया जिसके पीछे एसी लगा हो वो क्या वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर होता है कि नहीं होता। एनिक, एडवेक, यूनिवेक, कोई भी कंप्यूटर हो जिसके पीछे एसी लगा हो वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी का। तो एनिक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आता है, एनिक का संबंध है, एनिक का संबंध कौन सी पीढ़ी से है। एसी लगा हुआ है नाम के पीछे तो ये कौन सी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आता है, एनिक का अर्थ क्या है, एनिक की फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन आ गया आपके सामने। शाबाश, ऑनलाइन बच्चों ने जवाब भी दिए हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। विच इज यूज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया गया। तो पहली पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, मैंने अभी आपको बताई थी पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, तो उसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। देखिए अब हम थोड़ा सा ये ट्राई करते हैं कि आपकी इवनिंग क्लास को रेगुलर किया जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के अब प्री एग्ज़ाम्स हो गए हैं, आरआरबी प्री का पेपर हो गया है, तो सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मेंस की तैयारी करनी है, और सेप्टेम्बर 1 अक्टूबर को मेंस है तो हमें मेंस का फोकस करना है। तो हम रेगुलर शाम को 6 बजे मिलेंगे, कभी हम जीके का एक टॉपिक ले आएंगे, कभी हम ले आएंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक। तो आप लोगों ने शाम का 6 बजे का टाइम अपना हमेशा बचा के रखना है, 6 से 7 बजे का टाइम हम रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति कैसी थी, प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मापते थे, मिलीसेकंड्स में। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की समय अवधि बताइए। तो पहली पीढ़ी की समय अवधि क्या है, ए 1940 से 1956। अगला क्वेश्चन आता है, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम बताइए। पहला इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक की बात होती है तो एनिक होता है, तो एनिक इसमें ऑप्शन में है, ये रहा एनिक। अगर आपसे वैसे पूछा जाए पहला जनरल पर्पज़ कंप्यूटर पूछा जाए तो एनालिटिकल इंजन है जो चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की बात आते ही एनिक पे चले जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था। अगला सवाल आता है, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते हैं, सेकंड पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान किसने ले लिया, वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया। इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये शायद पीछे क्वेश्चन रह गया, हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है थी, सेकेंड जनरेशन में स्पीड बताइए कैसी थी, मिली थी या माइक्रो सेकेंड्स थी। दूसरे नंबर पे थी माइक्रो सेकेंड स्पीड है। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की समय अवधि बताइए, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों की समय अवधि क्या है, 1956 से 1963। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो स्पीड थी वो कैसी थी। सबसे पहला क्वेश्चन जवाब देखते हैं कौन दे पा रहे हैं, तो ये है तीसरी पीढ़ी में थी नैनो सेकेंड, थर्ड जनरेशन में स्पीड कैसी थी, नैनो सेकेंड में स्पीड थी। अगला सवाल आता है, HLL, आप जानते हैं तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो HLL की फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेजेस। आप मुझे बताएंगे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम था फोर्ट्रन था, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे आपके सामने ये भी क्वेश्चन आएगा, अगले ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में बनाए गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है जिस पीढ़ी में हाई लेवल भाषाएं बनी उसी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना था, तो तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ, तीसरी जनरेशन में।
What does a computer program call that converts a high level language into machine language as one time, at one time? एक समय में हाई लेवल भाषाओं को मशीन भाषा में एक साथ बदलने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर का नाम क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर दे। तो एक साथ ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर होता है। मैंने लास्ट अपनी सॉफ्टवेयर की क्लासेस में आपको इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर में डिफरेंस बताया है। तो कंपाइलर तो क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो पूछा भी इसने एट वन टाइम, एक समय में एक साथ ट्रांसलेट जो करता है वो कौन है, कंपाइलर है। आगे आता है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस, कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट अस्तित्व में आए, आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ। तो आईसी कौन सी पीढ़ी में आई सी, तो आईसी आए थे तीसरी पीढ़ी में आए थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे। आप मुझे ये बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया था, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में आया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, LSI, VLSI, ये माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में आए थे। अगला आता है, आईसी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। देखो आईसी जो है वैसे तो पावर भी करती है, कंजप्शन करती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और साथ में आप मुझे इनमें सबसे अच्छा जो है ये इसमें है रिलायबिलिटी है, इसके अंदर होती है रिलायबिलिटी होती है, ये एक विश्वसनीय है आईसी। अगला क्वेश्चन आता है, आईसी का आविष्कार किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया जैक किल्बे ने किया, इसने आईसी बनाया था, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये पीछे जो और नाम लिखे हुए इन्होंने किस का आविष्कार किया था, हरमन होलीरथ ने बनाया था, पंच कार्ड बनाया था, ये सीमोर रोजर क्रे, इसने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम इसने अपने नाम से ही दिया था, उसका नाम था क्रे। और बिल गेट्स ने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट। चलो आप मुझे ये बताएंगे, अभी बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपना सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड दिया है, पाकिस्तान के सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड का नाम बताइए जो पाकिस्तान ने बिल गेट्स को दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को बिल गेट्स ने पोलियो की वैक्सीन के लिए बहुत पैसा दिया है, तो इसलिए पाकिस्तान को बिल गेट्स ने अभी एक अवार्ड दिया है। आइए देखते हैं, कोई बता सकता है, ऑनलाइन बैठे बच्चे बताएंगे, शाबाश, इसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है बिल गेट्स कम्फर हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर, ये पाकिस्तान इनको दिया गया, हिलाल ए पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है, ये बिल गेट्स को दिया है, पाकिस्तान ने दिया है, ये देख सकते हैं बिल गेट्स कन्फर हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये फोर्ट्रन की फुल फॉर्म बताएंगे, आप मुझे बताएंगे फोर्ट्रन की फुल फॉर्म बताएंगे, आप मुझे बताएंगे फोर्ट्रन की फुल फॉर्म बताएंगे, कौन बता सकता है। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज इसका है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे आता है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में अभी तक विकास के अधीन है, अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, तो अंडर डेवलपमेंट कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन, पाँचवीं पीढ़ी अभी विकसित हो रही है। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडियन साइंटिस्ट, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बताएंगे भारत के वैज्ञानिकों ने इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है, परम 8000। परम 8000 को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, विजय पांडुरंग भाटकर, आगे नाम आ जाएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं ये रहा, ये सबसे पहले तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे नाम दिया गया है क्रे, क्रे वन जो है ये किसने बनाया था, सीमोर रोजर क्रे ने बनाया, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था सीमोर रोजर क्रे, और ये 1976 में बना था, चौथी पीढ़ी में बना था, इसकी स्पीड थी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड,
इसकी स्पीड को इसमें इसमें मापा गया। और अब हम बात करते हैं, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, और ये बनाया था विजय पांडुरंग भाटकर ने बनाया था। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था 1991 में बना था। अगला सवाल आता है, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की समय अवधि क्या है? फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1971 से 2010 तक थे। उसके बाद हम बात करते हैं, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड कैसी थी? पीको सेकंड्स थी। आगे आता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंदर पहली बार चिप का प्रयोग, ये चिप्स वो खाने वाले नहीं हैं, ये चिप है, चिप का प्रयोग किस वर्ष किया गया? चिप का प्रयोग 1975 में हुआ था। सबसे पहले चिप का प्रयोग 1975 में हुआ था। अगला सवाल आता है, VLSI की फुल फॉर्म बताओ, चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कितने नंबर पे है? बी नंबर पे है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लगातार बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसी तरह से जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये फाइंड चूज द नेम ऑफ जनरेशन इन विच माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। आप मुझे बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था चौथी पीढ़ी में आया था। अगला सवाल आता है, ये हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे किसने बनाया था? सीमोर रोजर क्रे ने बनाया था, तो इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन आता है, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI और VLSI का प्रयोग हुआ था। इसमें कहाँ पर ऑप्शन में है? ये रहा LSI माइक्रो प्रोसेसर, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली प्रकार का है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? पावरफुल कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आता है, ये निम्न में से कौन दुनिया का पहला मास मार्केट लैपटॉप था? ऐसा लैपटॉप जो मार्केट में बिका। आपको मैंने ओसबोर्न 1 और बिल मॉर्गिस द्वारा बनाया गया बताया था, लेकिन वो दोनों मार्केट में नहीं आए। मार्केट में आने वाला पहला सुपर कंप्यूटर था T11 या तोशीबा 1100, T1100 या तोशीबा 1100 कहलाता है, तो इसका आंसर होगा तोशीबा 1100। आगे लैपटॉप की स्टोरी को देख लेते हैं, ओसबोर्न 1 ये दुनिया का पहला लैपटॉप था, और ये किसने बनाया था? एडम ओसबोर्न ने बनाया था। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक के सबसे पहले जो गवर्नर थे, जो 1 अप्रैल 1935 को बने थे, जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, उनका नाम भी ओसबोर्न स्मिथ था। उनका नाम क्या था? सर ओसबोर्न स्मिथ था। उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। ये रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे, रिजर्व बैंक के सबसे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ था, और ये नाम इनसे मिलता जुलता नाम है ओसबोर्न, तो एक ओसबोर्न से दो नाम याद हो जाते हैं। लैपटॉप के फादर कहलाते हैं बिल मॉर्गिज। इन्होंने आधुनिक लैपटॉप बनाया था, जो वर्तमान में लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं वो इन्होंने बनाया था, ग्रिड कंपास नाम से लैपटॉप बनाया था। इनके लैपटॉप का नाम था ग्रिड कंपास, लेकिन ये दोनों मार्केटेबल नहीं थे। मार्केट में पहला जो लैपटॉप आया T1100 आया, जिसको हम तोशीबा 1100 भी कह देते हैं। अगला सवाल आता है, ये MSI, जैसे LSI, VLSI, वैसे उनके बीच में एक MSI भी होता है। MSI की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट, तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आंसर हो गया डी, मीडियम स्केल, एस का मतलब स्केल होगा। आगे आता है USLI, पांचवी पीढ़ी में USLI का प्रयोग हुआ था, तो आप मुझे बता सकते हैं USLI की फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कितने नंबर पे है ये? सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सी नंबर पे आता है। उसके बाद आता है, ये विच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। देखो अभी फर्स्ट मैंने कॉमर्शियल लैपटॉप बताया था, तोशीबा 1 था, तोशीबा 1100 था। इसी प्रकार से पहला जो था कॉमर्शियल कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा था? उसका नाम था Frenti Mark I, उसका नाम है Frenti Mark I है, ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। अगला सवाल आता है, ये
यूनिक का मतलब बताएंगे। यूनिक देखो, जब जिसके पीछे एसी लग जाता है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी के लास्ट में क्या लगता था? कंप्यूटर। देखो, जिसके लास्ट में कैलकुलेटर लगता है वो कंप्यूटर नहीं है, वो कैलकुलेटर है। आगे कुछ ऐसे वर्ड भी आएंगे, वो कंप्यूटर नहीं है। जैसे एडवेक की बात करें, एडवेक की फुल फॉर्म बताएंगे, कौन बता सकता है? एडवेक भी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्योंकि ये भी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवेक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ये। अगला सवाल आता है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। पांचवी पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस कौन सा था? ट्रांजिस्टर थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थी, LSI, ULSI। सही जवाब सभी ने सही दे दिया है, ULSI का प्रयोग हुआ था। अगला सवाल आता है, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। पांचवी पीढ़ी किस पर बेस्ड थी? पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर है। मैंने बहुत सारे आपको AI बताए, सोफिया बताया, सैम बताया, मैंने आपको लक्ष्मी बताया, व्योममित्रा बताया, तो ये है रोबोट एंड AI। एनिक का संबंध कौन सी पीढ़ी से है? एनिक पहली जनरेशन से है, ये मैंने आपको बता दिया। जिसके पीछे AC होता है वो पहली पीढ़ी होती है। आगे आता है एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, एडसेक कोई कंप्यूटर नहीं है, इसमें डेटा स्टोर हुआ था, ये कैलकुलेटर है। तो ये इसको हम कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं डालते, है तो नाम के पीछे AC, लेकिन ये कैलकुलेटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये एक कैलकुलेटर है जिसमें डेटा स्टोर हुआ था। जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पे इसने डेटा स्टोर किया था। अगला सवाल आता है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स। नंबर्स को जोड़ने के लिए आज भी बच्चे कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं? आज भी हम अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। क्या अबेकस अभी बच्चे स्कूल में स्लेट के रूप में लेके नहीं जाते? अभी भी एडिंग के लिए अबेकस का इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन बैठे बच्चे जवाब दे रहे हैं सभी, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल आता है, ये भारत में बना पहला कंप्यूटर कौन सा था? देखो, भारत में बना, मेड इन इंडिया, भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में बन गया था। और इसे स्थापित कहाँ पर किया गया था? इंडियन स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। कहाँ पर किया था? कोलकाता में इसको स्थापित किया था। लेकिन इसको बनाया जो था, बनाया कहाँ पर था? मुंबई में बनाया था। उसका नाम था टिरफेक था। ये पहला सुपर कंप्यूटर था, बना तो बेंगलोर में था, लेकिन इसे स्थापित कहाँ पर किया गया? कोलकाता में किया गया था। आप मुझे कोई बता सकता है टिरफेक की फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये पहला हमारे देश में बनने वाला कंप्यूटर था, और जिसे कहाँ पर लगाया गया, आइए देखते हैं हम। भारत में विकसित, ये देखो, डेवलप इन इंडिया, भारत में विकसित होने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? ये 1986 में बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में लगा था, जो भारत में जिसका विकास हुआ, जो विकसित हुआ, बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में लगा था। तो ये पहला विकसित होने वाला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। भारत में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर था टिरफेक था, और पहला विकसित होने वाला सुपर कंप्यूटर, सॉरी, पहले कंप्यूटर का नाम, भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर तो टिरफेक है, पहला विकसित कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला सवाल आता है, ये चार्ल्स बाबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम बताएंगे। चार्ल्स बाबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? एक तो डिफरेंस इंजन बनाया था 1922 में, 1937 में उसने एनालिटिकल इंजन बनाया। आपको मैं बता दूं कि मेरी जो क्लास है, आप इस क्लास को एक बार देख लोगे, दो बार देख लोगे, आपको हाथों हाथ ही याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और आप कोई भी कंप्यूटर की क्लास को देखोगे तो आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाया हुआ है। इतनी सी देर में लगभग मैंने आपको 40-50 मिनट में आपको मैंने कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। बिल्कुल भी मैंने कोई बात नहीं की आपसे ज़्यादा, सीधा ही सीधा मैंने पढ़ाई से ही आपका टू बी पॉइंट आपको पढ़ाया है।
आपने इस वीडियो को दो बार देखना है, आपके सामने बहुत अच्छे से ये हो जाएगी। इसको दो बार देख लो कि आपके सामने कंप्यूटर हिस्ट्री क्लियर है। अगला सवाल आता है ये, भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया? 1955 में स्थापित किया गया। आगे हम देख लेते हैं ये भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया। पहले तो पूछा था कहाँ, कौन से वर्ष स्थापित किया था, 1955 में। तो ये इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। बना कहाँ पर था? बेंगलोर में। आगे हम देखते हैं प्रथम बूट सेक्टर वायरस कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे पहला वायरस पूछा जाए, तो दुनिया का सबसे पहला वायरस का नाम है क्रीपर है, ये सबसे पहला वायरस है। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस पूछा जाए, तो वो ब्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का, इंडिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था, ऐसा वायरस जो इंडिया में आया उसका नाम सी ब्रेन था। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, जो भारत का पहला वायरस था, उसका नाम सी ब्रेन था। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आते रहते हैं एग्जाम में। ऐसी ईमेल जिसमें वायरस होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल्स कहते हैं। ऐसी ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल भी कहते हैं, स्पैम भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम स्पैम भी है, इसको स्पैम ईमेल भी कह देते हैं। और ऐसी ईमेल जिसमें एक्चुअली में वायरस होता है, तो ऐसी ईमेल क्या कहलाती हैं? जंक ईमेल कहलाती हैं। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने सॉफ्टवेयर में फर्मवेयर पढ़ाया था। आपको मैंने बताया था कि ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल घड़ी और इसके अलावा कैमरा में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो उसे चलाते हैं। तो डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जो कि उसको चलाता है। इसको हम फर्मवेयर के नाम से भी बुला सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो कैलकुलेटिंग के रूप में काम आता है। हमारे सीपीयू में ALU होता है, CU होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम रोम होती है, उनमें कैलकुलेशन के लिए कौन सा भाग काम आता है? ALU आता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। IC किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। देखो ये क्वेश्चनों का एक सैम्पल मैंने आपके सामने लिखाया है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऐसे भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा सकता हूँ। तो क्या ये वाला तरीका ठीक है या वो 4 ऑप्शन वाला तरीका सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज हमारी कंप्यूटर हिस्ट्री का जो ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ये अगर आपको अच्छा लगा है, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा सकता हूँ, एक बारी में देखते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए, आपने वीडियो देखा है अगर पसंद, थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।